गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जो समर में यूज करने ही चाहिए आपको। समर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और विंटर सीजन में जो प्रोडक्ट हमको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं वो हम यूज नहीं कर पाते समर में। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है फेस वॉश। तो यहाँ पे मेरे पास है बॉडी क्यूपिड का विटामिन सी फेस वॉश और ये फॉर डल एंड पैची स्किन के लिए है। बट मैंने जो यूज की मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए जो मैंने वाव का आपको बताई थी फेस वॉश जो मैंने उट्टन वाला यूज कर रही थी उसके बाद मैंने ये स्विच कर दी। पहले ही बता दूं ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे लगा कि समर्स में ऐसे प्रोडक्ट है जो बताने चाहिए आप लोग को। कई लोग बहुत गलत वे में यूज करते हैं समर्स में, जो प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए वो यूज कर लेते हैं। तो हमारी स्किन को हेल्दी भी रखना चाहिए ऊपर से, अंदर से तो आप पता नहीं रखते हो कि नहीं, बट बाहर से मैं जितना बता पाऊंगी आपको उतना बता रही हूँ। तो फेस वॉश तो मस्ट है, आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, बट फेस वॉश दिन में 2 बार यूज करो अगर बाहर जा रहे हो, तो फिर बाहर से आने के बाद फेस वॉश तो करना ही करना, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग भी लगे। सो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको बाहर जाने से पहले तो लगाना ही चाहिए, वरना तो टैनिंग होनी ही है। तो यहाँ पे मेरे पास है वाउ स्किन साइंस की सनस्क्रीन जो न्यूली लॉन्च है और मुझे ये सनस्क्रीन बहुत पसंद आया है। एक SPF 35 है और एक 55 है। 35 वो है जो आप इंडोर में भी यूज कर सकते हो। तो लाइक 12 से 3 बजे की धूप बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। सो अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रह रहे हो तो ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप 55 वाला सनस्क्रीन लो, और ज्यादा बाहर नहीं हो लाइक इंडोर भी हो तो भी आप ये 35 वाला यूज कर सकते हो। सो हमारा सनस्क्रीन तो हो गया और आपको ये तो स्किप करना ही नहीं है समर में। अब आती है हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि लाइक मेरे लिए तो वो फेवरेट प्रोडक्ट है। तो आपकी फेस को हाइड्रेट रखने के लिए आपको ये फेशियल टोनर यूज करना चाहिए, जो कि वाव का कोकोनट फेशियल टोनर है। एंड ये काफी रिफ्रेशिंग लगता है जब आप इसको स्प्रे करते हो। सो ये कभी भी आपको रिफ्रेश करने के लिए एकदम सही प्रोडक्ट है। हमारी आती है हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखने की, जो कि है 4th स्टेप। एंड समर्स में आपको हैवी मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपकी स्किन काफी आपको लाइक ग्रीसी लगेगी और बहुत ही ऐसे इरिटेशन जैसा होगा। स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर बहुत हैवी ले लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी जो मैं अभी यूज कर रही हूँ वो है ये द फेस शॉप का चिया सीड वाला है। एंड ये काफी लाइट वेट है तो आपके फेस पे ये ज्यादा हैवी नहीं लगेगा। इसमें विटामिन B12 भी है और ये लोशन बहुत ज्यादा अच्छा है फेस के लिए। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है सीरम, और नाइट सीरम कह सकते हो आप। लाइक पूरा दिन हम बहुत ज्यादा टायर्ड लगते हैं, समर्स में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, तो हमारी स्किन को रात को तो एटलीस्ट अच्छे से ट्रीट करना ही चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सीरम तभी काम करेगा जब आपका फेस क्लीन होगा, और फेस क्लीन ये जो सुबह से आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके फेस पे लगाए उसको पहले रिमूव करना होगा आपको। सो अगर आपके पास क्लेंजर है तो वो यूज कर सकते हो, अगर वो यूज नहीं करना है तो एटलीस्ट फेस वॉश तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग रात में बहुत ज्यादा स्किप करते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगी जो बहुत ज्यादा काम करते हैं उनके लिए खास करके कि आप फेस वॉश स्किप मत करो। रात को सीरम लगाने से पहले एटलीस्ट आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो उसके बाद जो मैं सीरम यूज करती हूँ वो मेरा फेवरेट सीरम है, और मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन में। सो ये है वो सीरम, ये एस्टल लॉडर का नाइट रिपेयरिंग सीरम है, और ये बेस्ट सीरम है। मैंने जितने भी सीरम ट्राई किए उनमें से ही सबसे बेस्ट है। सो ये सीरम वाला पार्ट तो स्किप करना ही मत अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है आपकी। तो यही थे वो 5 प्रोडक्ट जो आपको समर में कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आप मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट। तो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।